हाय दोस्तों, आज हम बनाएंगे छेना कोकोनट लड्डू। ये बहुत जल्दी बनने वाले लड्डू हैं और आपको बहुत पसंद आएंगे, तो चलिए बनाते हैं। छेना रेडी करने के लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है। जब ये उबल जाए तो हम इसमें 1 कप खट्टा दही डालेंगे। अगर आपके पास खट्टा दही नहीं है तो आप 2 चम्मच नींबू का रस निकाल के उसमें 2 चम्मच थोड़ा पानी मिला लें और उससे भी आप अपना छेना फाड़ सकते हैं। अब इसको चलाते रहेंगे धीरे धीरे। जब भी दूध फटने लगेगा तो ऐसा दिखेगा, और इसको मीडियम गैस पे पकाते रहेंगे। अब ये हमारा छेना तैयार है। अब हम गरम गरम ही इसको छानेंगे तो इसका सारा पानी निकल जाता है। हम इसको चारों तरफ से दबा के अच्छे से इसका पानी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें लड्डू बनाने के लिए थोड़ा ड्राई छेना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। आप इस पानी को फेंके नहीं, आप इसको आटा गूंथने के लिए या फिर दाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम छेना थाली में फैला के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और हम 1 कटोरी में थोड़ी सी केसर 1/2 चम्मच पानी में भिगो के साइड रख देंगे। जब छेना ठंडा हो जाए तो हम एक थाली में इस तरह उसको मैश करेंगे हथेली से। हम तब तक मस लेंगे जब तक इतना सॉफ्ट ना हो जाए। अब हम इसमें 3/4 कटोरी कोकोनट पाउडर डालेंगे और 1/2 कटोरी बूरा। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। जब ऐसा डो बन जाए तो अब हमारे लड्डू बनने के लिए तैयार है। अब हम इसको थोड़ा सा लेंगे इसका लड्डू बना के, और हम कोकोनट पाउडर से इस पर कोटिंग कर देंगे और एक थाली में अलग से रखते जाएंगे। ऐसे करके हम सारे लड्डू बना लेंगे। अब हमने जो ये केसर भिगोया था उसको उंगली से थोड़ा प्रेस कर दें ताकि उसका अच्छे से कलर निकल जाए, और अब हम उसके डॉट्स लड्डू पे इस तरह से लगाएंगे। मैंने यहाँ पर ये पिस्ता लिया है, आप काजू भी लगा सकते हैं। अब हमारे कोकोनट छेना लड्डू रेडी हैं। ये थी छेना कोकोनट लड्डू की रेसिपी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।